say come on. Yeah. English mean thank you. Yeah, thank you. You're so cute. और ये देखो 10 की है पेप्सी भाई, बहुत सस्ता सामान है अंदर। तो इनसे पूछते हैं भैया रेड बुल किधर है। ओ 79,000 and 69,000 किलो। ओके आई वांट मोर। बहुत बढ़िया लग रहा है यार, पहली बार कोई डिफरेंट देखा है। मोटर बाइक्स के अलावा वियतनाम में और भी बहुत कुछ है, जैसे कि ये इतनी बड़ी रिवर आप देखो ना, चाहते हो ना 1, 2 and 3। एक तो यहाँ के लोगों की ये बड़ी प्रॉब्लम है या नहीं है वो आप देख लेना कि यार ये उल्टी तरफ चलते हैं, हमारे इंडिया में इधर की तरफ चलते हैं जबकि ये देखो डिफरेंट वे में चलते हैं। किसी से लिफ्ट लेने का भी नहीं, क्योंकि मेरी आदत है ना वही वाले हाथ को जाने की, सीधे वाले हाथ को जाने की ना, तो वही आदत लगी पड़ी है जो भी है। अभी लिफ्ट लेकर देखेंगे यहाँ पर कि क्या हमें कोई लिफ्ट देता है या नहीं, क्योंकि मुझे क्रॉस करना है वापस यहाँ पर जा करके, कुछ खा करके और सीधे मैं चलने वाला हूँ अपने, एक लेक है वहाँ पर जाएंगे। वाओ नो ब्रदर, सुट्टा कॉल दिस सुट्टा इन इंडिया, यू नो इंग्लिश। इसे थोड़े भाई को समझाता हूँ, दिस सुट्टा इन इंडिया, सुट्टा कॉल no. अरे भाई और पागल करके पीछा छोड़ दे। तो ये भैया तो यहाँ देखो नारियल पानी भी मिल रहा है 20-80,000। अगर सिटी के, मैंने ये रियलाइज़ किया है कि सिटी के अंदर है ना तो चीज़ें थोड़ी सी महंगी हो जाती हैं, अगर तुम बाहर जा रहे हो तो सस्ती भी हो जाती है। मुझे चाहिए यार कुछ फूड मिल जाए यार, वो खो वाला वो मिल जाए ना कॉफ़ी, गार्डन कॉफ़ी। तो मैं बैठ वाओ वाओ तो देखो उस बड़े लड़के को एक मेरा वर्ड समझ में आ गया था वाओ, तो वो ही कर रहा था वाओ। यहाँ पर रेड बुल तो है लेकिन ये होटल है शायद, होटल है ना, हाँ होटल है। ये कोई स्ट्रीट फूड है यार, कोई स्ट्रीट फूड भी नहीं मिल रहा, मतलब फूड है इनके पास केवल ड्रिंक्स हैं, गन्ने का जूस है यहाँ पर। आई थिंक मिल गया मुझे वो जो है ना, हाँ यही है। तो इसके अंदर से 2-3 सामान लेता हूँ और खाता है मज़े से स्ट्रीट फूड। हेलो रेड बुल। तो इनसे पूछते हैं भैया रेड बुल किधर है। ओ 79,000 and 69,000 किलो। क्या ओके आई वांट मोर। नो इट्स ओके। मैं इन्हें समझाने का ट्राई करता हूँ, जस्ट वेट। नो। ये निकाली हिंदी एंड ट्रांसलेट। मुझे और भी कुछ चाहिए, क्या मैं देख सकता हूँ? तो वो कर दी डॉक्टर, ओके हाँ या आई वॉचिंग। तो मेरे को देखना है कि मेरे लायक क्या क्या है। इसे आप यहाँ रख लीजिए, आई वॉन्ट एंड आई सर्चिंग फॉर देयर, कुछ मेरे खाने लायक मिल जाए यहाँ पर। 33,000
Hello, what's your name? Oh, my name is Hai. Hani? Hai. Hi. 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 Onion. Yeah. Aap. Yes. Yeah, good. अच्छा तो ये यहाँ का मार्केट है, देख लो भाई बहुत बड़ा है यहाँ तो। ओहो रेड ओ भयंकर मॉनिस्टर यहाँ 30,000 की है, तीन दाई 30 यानी कि 100 रुपये की। रेड बुल की जगह आज हम पीते हैं ये, ये अल्ट्रा है तो। और ये कितने की है, ये भी 30 की है, और ये देखो 10 की है पेप्सी। भाई बहुत सस्ता सामान है अंदर तो, बाहर तो मैं पता नहीं पागल बन गया। हेलो हेलो हेलो। अच्छा ये यानी कि इधर का निकलने की भी जगह है यहाँ पर से। अच्छा ये पेन है, अच्छा 27-23 हज़ार रुपये के पेन है, यानी कि 70-80 रुपये के। सामान काफ़ी सस्ते सस्ते हैं। अच्छा विनेगर विनेगर चिप्स किधर गया यार, चिप्स चाहिए ना मेरे को, चिप्स आई थिंक चिप्स 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 आई थिंक यहाँ पर था चिप्स। ये सारे ही लोग कर ले रहे हैं चिप्स चिप्स वेजिटेबल चिप्स। हाँ ये यहाँ का कोई चिप्स है। ओके आई वॉन्ट फॉर दिस, दिस इज वेजिटेरियन। यार ये मैंने खरीदा था 20 का, लेकिन यहाँ 15 का मिल रहा है। ये काफ़ी अच्छा है यार, ये कोई डिफरेंट है, ये ट्राई करके देखते हैं। ये काफ़ी डिफरेंट है एंड ये देखो छोटे वाले भी हैं 10 के, यानी कि ये 30 रुपये का है और ये करीबन 40-50 रुपये का है यहाँ पे। गाइस ये पीते हैं, यहाँ की कोई बियर है रबी बियर, ये वाला भी ट्राई करके देखते हैं। दो तीन चीज़ें ले ले रहा हूँ। तो हमारा सामान हुआ है 55 का, ये 100 यस या यो 55 यस आपको 55 चाहिए और हमने ये है। वेलकम वेलकम सिंचाओ, यू नो सिंचाओ? यस आई एम ओनली नो सिंचाओ। यू कैन बी नॉट say come on yeah english mean thank you yeah english yeah. thank you okay. yeah so cute to ek maine 30 rupaye ke andar 30 rupaye ke andar khareediye hain yahan ki beer aur 30 rupaye mein mil rahi hai yahan ki red bull 30 nahi 40 ke kareeban hongi dono 40 40 ke to main pee kar dikhata hu aisi jagah pe baithna padega kyunki agar main koi जैसे ये स्टॉल्स लगा रखे हैं इनके पास बैठता हूँ तो यार ये कहते हैं कुछ खरीदो कुछ खरीदो कुछ खरीदो, मैं कहता हूँ नो नो नो, बट वो कहते हैं कुछ खरीदो खरीदो खरीदो। तो यहाँ पर देखो आराम से बैठते हैं और चलिए पी कर देखता हूँ क्या है। ये देखो यहाँ की बियर है रबी रबी, इसका टेस्ट बताता हूँ मैं कैसा है। ओ बहन चो ओ बहन कर या यार मुझे ना बियर का टेस्ट इतना ज़्यादा गंदा लगता है ना, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है मुझे बियर का टेस्ट। सेम ये समझ लो कि रेटिंग 9-10 का फ़र्क होगा, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। बहुत गंदी लगती है यार मुझे बियर, मैं कहीं पीता नहीं हूँ बट मुझे बहुत गंदी लगती है। किसी किसी को अच्छी लगती होगी लेकिन मुझे इसका टेस्ट गंदा लगता है। ये जो रेड बुल है इसका टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यार। माइंड ब्लोइंग यार, बहुत अच्छा टेस्ट है। मैं एक चीज़ और ख़रीद कर लेकर आया था, यहाँ का कोई बिस्किट है, ये देखो कुछ ऐसा बिस्किट है। और चलिए क्या है मैं देखता हूँ। यार ये चॉकलेट तो नहीं है, ऑर्डर हैंकर ये देखो। वाह आप भी खाइए मैं भी खाता हूँ, यानी कि इसके अंदर ना अंदर क्रीम है और बाहर की तरफ बिस्कुट है। तो
पहली बार कुछ डिफरेंट टाइप का खाया है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर देख रहा है तो भाई देखो कैसे बिस्कुट बना दिए हैं इन्होंने, मतलब अंदर क्रीम है। हमारे यहाँ पे भी होते हैं, हमारे यहाँ अंदर क्रीम होते हैं, देखो। एक और चीज़ है मेरे पास वियतनाम की जो कि न्यू है, वो है ये कोई तैन तान करके है, तैन तान आकर देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि ये मूंगफली है। ये देखने में कुछ ऐसा है, तो ये देखने में कुछ देखो ऐसा है और खाने में तो इंडिया के किसकी तरह लग रहा है यार, लग तो मूंगफली की तरह ही रहा है यार ये। हाँ मूंगफली है वाकई में यार, मूंगफली है। देखो मैंने फोड़ के देखा तो मूंगफली दिखी है मुझे, ये देखो। देख रहे हो भयंकर ट्रेन स्ट्रेट पे घूमते घूमते क्या हालत हो गई है मेरी, ये पता नहीं क्या चिपक गया है यार, मुझे लग रहा है ये हटाना पड़ेगा। मेरे को जूते गंदे नहीं करने क्योंकि मैं 13 दिन तक सेम यही शूज पहनने हैं। ओ भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, भाई मैं चढ़ गई है बैंक में, सब हिलता हुआ नजर आ रहा है, अजीब सा मेरा सिर घूमने लग गया है। अबे मैं कैसे जाऊंगा यार अब। अभी मेरे को याद है कि यहाँ बैठा था तो मैं बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जब से ही मैंने ये वाली बियर पी है सही में ना मैं मतलब अजीब सा लगने लगा है, सारी चीज़ें हिलती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। इसके बाद जो भी होता है ना मेरे साथ वो तुम्हें अगली वीडियो में नज़र आएगा। मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा, जब ये हिलना बंद हो जाएगा तब मैं जाता हूँ यहाँ की एक बहुत फेमस लेक है वहाँ पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, मिलता हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ओ मैनू चढ़ गई है यार, मैं की करा, मैनू चढ़ गई है।